भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां सामने आ रही हैं। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी। यानी आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला था वो सही था, ये प्रावधान जो था आर्टिकल 370 ये अस्थाई था, अस्थाई प्रावधान नहीं है। और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। कर्फ्यू वर्स कुछ नहीं है, ना हड़ताल होता है ना कुछ होता है, ये 7 days खुला रहता है। 370 इंप्लीमेंट हुआ तो आप देख लें तो उसमें आपको ये हैरत होगी कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस ये स्टेटमेंट देता रहा कि हम 370 को नहीं मानते। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती। लोगों ने कहा ये कि ये लगता ये है कि ये शायद फैसला मोदी साहब की डिसीजंस को वैलिडेट करेगा। और ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के या भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। और पे ये डिसीजन अब जो है वो मोदी साहब का डिसीजन नहीं है, दिस डिसीजन वाज टेकन बाय हिम, लेकिन जिस प्रोसेस से उन्होंने उसको गुजार दिया, अब इसको ये कहना कि ये मोदी साहब का डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बड़ी नाइंसाफी। ना सिर्फ ये कि बाकी दुनिया भी खामोश है और गल्फ कंट्रीज भी पैसा लगा रही है, बल्कि जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का हिस्सा है वो लोग भी बार बार उस तरफ को ही देख रहे हैं और कई लोग वहां पे प्रोटेस्ट हमारी तरफ यानी कि कश्मीर में प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज ये फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है, इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है लेकिन हासिल क्या हुआ, शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है, ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा, ये जरूर एक सोचने की बात है। लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें। कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही है। कहा ये जा रहे हैं एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था
कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है और जितनी भी माइनॉरिटीज है चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उन्होंने उनका कहना यह था कि पूरी एक तरीके से भारत के या भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था, मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की मगर कुछ हो नहीं पाया, और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगें हम कर चुके हैं उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते, हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है लेकिन हासिल क्या हुआ, शायद कुछ भी नहीं। ये बताइएगा कि ये जो अब बातें हो रही हैं कि तकरीबन 200 से ज्यादा जो लॉज हैं जो कि कश्मीर के हवाले से सिटीजनशिप राइट्स, लैंड, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो थी वो जारी बात है कुछ अमेंड कर दी गई, रिवोक कर ली गई। इसी तरह बाहर के जो लोग थे, फॉरनर्स थे, वो अब उनको वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड उनको अलॉट कर दी जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं आपको क्या लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल? ये डिसीजन अब जो है वो मोदी साहब का डिसीजन नहीं है, दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय हिम, लेकिन जिस प्रोसेस से उन्होंने उसको गुजार दिया, अब इसको ये कहना कि ये मोदी साहब का डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बड़ी नाइंसाफी, क्योंकि उसके बाद ये जो डिसीजन है ये भारत की जो पार्लियामेंट से गुजरा है उसके पूरे प्रोसेस से गुजरा है, उस पर बाकायदा वोटिंग हुई है और उस पर सारे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रेजेंस रखती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। तो इसको फिर यूं कि अगर आप कहें कि जी भारत के जजेस जो हैं वो मुमकिन है भारत की पार्लियामेंट के डिसीजन को सुपरसीड ना करें, ये है दुरुस्त स्टेटमेंट जिसके पीछे कोई इंसाफ, कोई हया और किसी तरह की कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो क्या कह सकते हैं अखलाकियात जो है वो बचती है, कि अब ये हम जज पे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा लें इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे कि जी उन्होंने मोदी साहब को खुश किया है, तो फिर हम जो है वो कहीं भी जब ये केस डिस्कस कर रहे होंगे जो पार्लियामेंटरी सुपरमेसी है उसको वर्सेस कोर्ट्स को, तो उसको हम रिकंसाइल कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये जो अदालतों ने बार बार जो है वो स्ट्राइक डाउन किए यहाँ की पार्लियामेंट के फैसले, अभी इवन रिसेंट हिस्ट्री में, इवन हम बहुत पीछे ना जाएं लास्ट टू इयर्स में आप देख लें, तो जिससे पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंसिया इस पर सख्त नाराजगी का उन्होंने इजहार किया, चूंकि उन्होंने ये कहा कि आईन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है
वो सुप्रीम अदारा है, तो पार्लियामेंट एक डिसीजन करती है तो उसको रिव्यू करने का, देखने का, जो पूरी दुनिया का ये जो हमारा कॉमन लॉ का सिस्टम है उसका एक बाकायदा क्राइटेरिया है कि वो अगर कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट उसमें जो नंबर वन चीज देखता है कि कहीं पे ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जुमरे में तो नहीं आता, तो अगर आता है तो 99% कोर्ट्स जो हैं स्पेशली इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स वो उसको जो है वो सेटिसफाइड कर खत्म कर देते हैं कि जी ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स है। लेकिन वो फिर भी पार्लियामेंट को सुपरसीड नहीं करते बल्कि पार्लियामेंट को रिकमेंड करते हैं कि जी ये आपने जो डिसीजन किया इसमें हमारी ये रिजर्वेशन है, आप दोबारा देख लें या कुछ इस तरह का रास्ता निकालते हैं। इनमें कमी बेशी का जो मसला है ये बाकायदा एक पूरे प्रोसेस के तहत ये भी चलता आ रहा है गुज़श्ता 2-3 सालों से, जिसमें कि वहाँ की जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज ने भी हिस्सा लिया है, जिसमें कि ये सारी पार्टियां जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई या पीपल्स हो गई महबूबा मुफ्ती की या दूसरी तरफ से कांग्रेस हो गई या बीजेपी हो गई, इन सब ने उस कंसल्टिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया, इन्होंने अपने अपने एतराज़ात उठाए, उस हिसाब से जो है वो अगर कोई लिटिगेशन भी हो रही है तो वो आपने देखा होगा कि कई दफ़ा एक इलेक्शन प्रोसेस में एक सीट चैलेंज हो जाती है, उससे प्रोसेस नहीं रुकता है बल्कि वो प्रोसेस अपनी जगह जारी रहता है, बंदा बाद में इलेक्ट हो जाता है, कई सालों बाद जाके उस पर लिटिगेशन जो हो रही होती है उसका डिसीजन आता है कि जी ये सीट सही नहीं थी या इस स्पेसिफिक सीट पे कोई बेजाब्ती हुई है, ये बिल्कुल उस तरह का केस है। कहा जा रहा है कि वो लोग इंडिया के साथ दोबारा से मिलना चाह रहे हैं। बस मैं तो कहता हूँ कि मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदे को इधर बागी कैसे बनते हैं, बागी तो इसी तरह बनते हैं कि उनको उनका हक नहीं मिलता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई मंजूर जो है वो इंटरस्टेट है, या कल को अगर दूसरा मंजूर गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुआ तो तब हम क्या करेंगे, तब वो कहेंगे कि यार वो भी इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट तो उस इंटरस्टेट कैसे पैदा होता है, जब किसी बंदे को अपना हक नहीं मिलता तो वो आगे जाके इंटरस्टेट बन जाता है। क्या गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वीर किया जाता है? या तस्वर तो बस नक्शे में है, बाकी हम उनको वो डेवलपमेंट्स नहीं दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, मतलब मैं यही कहूँगा हमारे साथ जो इधर यूनिवर्सिटीज़ में जो दोस्त है वो यही कहते हैं कि हमें बिल्कुल 30% मिल रहा है, उसके अलावा 70% मैं तो यही कहूँगा कि उनको नहीं मिल रहा। अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया से अलग ना हुआ होता तो जिस तरह इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया लद्दाख में डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी डेवलपमेंट होनी थी। मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तानी तो ये बात भूल जाए कि वो इंडिया तक मुस्तकबिल में कभी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के इस टाइम जो हालात है और आप इंडियंस को देख ले तो ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिससे इंडियन हमसे आगे ना हो। आप अगर हर फील्ड में ऐसा फील्ड नहीं है, आप अगर हॉस्पिटलिटी में जाएंगे, टूरिज्म में जाएंगे, उधर अगर आप देख ले तो भाई आपको हर जगह पे इंडिया